दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ आसिफ के कातिल के हवाले से अफसोसनाक खबर शेयर करेंगे। आसिफ के कातिल के घर भी सफ़े मातम बिछ गया है। कप्तान का जानिसार प्यारा आसिफ के दुनिया से रुखसत होने के बाद पूरे मुल्क से इमरान खान के चाहने वाले आसिफ की मौत पर इजहार अफसोस कर रहे हैं, जिसके बाद आसिफ के कातिल की वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें वो अपनी डोर से आसिफ का गला कट जाने पर गहरे दुख और सदमे का इजहार कर रहा है और आसिफ की मगफिरत की दुआ करने के बाद अपनी वायरल होने वाली आखिरी वीडियो में कहा कि मेरे पतंगबाजी के गलत शौक की वजह से एक मासूम और को कभी हाथ नहीं लगाना पतंग उठाओ, मर्जी का होता है जब पतंग उठा हाथ लगाए। और क्या गुजरती है उन माँ बाप के ऊपर जिनका लख्ते जिगर, जिनका बेटा उनके हाथों के अंदर दम तोड़ जाता है। और ऐसे वाकयात हम कितने सुनते हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस खूनी खेल से बाज रहा जाए। अखलाकियात भी इजाजत नहीं देते, हमारा मुल्की कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। खुद भी बचिए, अपनी औलादों को बच्चों को भी इससे महफूज रखिए। इंसान की जान चली गई है, जिसकी वजह से मेरा जमीर मुझे रातों को सोने नहीं देता। फैसलाबाद में पहले भी कई नौजवानों की इस खूनी खेल की वजह से मौत हो चुकी है और पंजाब हुकूमत इसे रोकने से कासिर है। आसिफ इशवाक बेकसूर इंसान था, वो तो सिर्फ अफतारी का सामान लेने घर से बाहर निकला था, इसी दौरान वो गले पर डोर फिरने की वजह से दुनिया फानी से रुखसत हो गया। ऐसा समझ लें कि जैसे किसी जानवर को जबह किया जाता है। मैं अपनी आखिरी वीडियो में आसिफ इशवाक के घर वालों से माफी मांगता हूं और पाकिस्तानी आवाम से अपील करता हूं कि खुदारा इस खूनी खेल को फौरन बंद कर दे। और ऐसा जो साहिब नेकापुरा मुबीन अहमद चीमा साहिब की तरफ से ऐलान किया जाता है, पतंगबाजी एक खूनी खेल है, अपने अपने बच्चों को पतंगबाजी से मना फरमाए। दोस्तों इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।